देखो 2023 में टाटा मोटर्स के बाद किसी कार कंपनी ने अपने सेल्स के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने सर्विसिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करी है तो वो है महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा कंपनी दिन पे दिन अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव ही करती जा रही है और यहाँ पर महिंद्रा का कार सेल्स रिपोर्ट आपको काफ़ी खतरनाक देखने को मिल जाएगा। खैर महिंद्रा कंपनी यहाँ पर रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगले साल यानी 2024 में महिंद्रा की तरफ से काफ़ी बेहतरीन कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। अगर आपको भी महिंद्रा की किसी न्यू कार का इंतजार है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। फर्स्ट कार है XUV300 का फेसली मॉडल और ये कार फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है। जैसे ही इस कार की टेस्टिंग खत्म हो जाएगी इस कार को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। देखो जिस सेगमेंट के अंदर आज के डेट में XUV300 बिक रही है वहां पर आपको टाटा नेक्सन देखने को मिल जाएगी। इस सेगमेंट के अंदर ब्रेजा बिक रही है, हुंडई की वेन्यू, किया की सोनेट इसी सेगमेंट का हिस्सा है। तो इस सेगमेंट के अंदर आपको कॉम्पिटिशन भी काफी टफ देखने को मिल जाएगा और जो करंट XUV300 इंडिया में बिक रही है उसका सेल्स फिगर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं है जितना कि ये कार डिजर्व करती है। लेकिन करंट मॉडल के अंदर भी आपको काफी ज्यादा लूप होल्स देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे और इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अपकमिंग XUV300 के फेसली मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको फेसली मॉडल के अंदर अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एडवांस इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा। करंट मॉडल का इंटीरियर देखकर आपको थोड़ी सी पुरानी कार की याद आ जाएगी, लेकिन फेसली मॉडल का इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा और शायद टॉप मॉडल के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल XUV300 के फेसली मॉडल के अंदर ऑफर किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आपको कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिल जाएंगे और शायद महिंद्रा कंपनी XUV300 के अंदर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी दे सकती है, क्योंकि ये फीचर करंटली कंपटीटर कारों के अंदर ऑफर करे जाते हैं और सेम चीज महिंद्रा कंपनी XUV300 के फेसली मॉडल के साथ ला सकती है। इसके अलावा एक्सटीरियर के तौर पर भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट का फीशा चेंज होने वाला है, आपको न्यू डिजाइन के साथ LED DRL का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, LED हेडलैम्प का डिजाइन भी चेंज किया जाएगा, फ्रंट के बम्पर्स, रियर के बम्पर का डिजाइन आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ फ्रंट के ग्रिल्स को भी कम्प्लीटली चेंज किया जाएगा और इस कार के एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। महिंद्रा कंपनी इस कार को 2024 के शुरुआत में ही इंडिया में लॉन्च करेगी। हालांकि पिछले 7-8 महीनों से XUV300 के फेसली मॉडल की टेस्टिंग चल रही है, शायद फेब या फिर मार्च तक XUV300 का फेसली मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है और करंट मॉडल के मुकाबले आपको फेसली मॉडल की कीमत थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। अगली कार है महिंद्रा थार का 5-door वाला वर्जन, जिसकी टेस्टिंग पिछले 2-3 सालों से चल रही है, लेकिन रिसेंटली इसका इंटीरियर लीक हुआ था जिसके इमेजेस मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा और यहाँ पर आपको करंट थार के मुकाबले थार के 5-door वाले मॉडल के अंदर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बताना चाहूंगा, करंटली महिंद्रा कंपनी थार को इंडियन मार्केट में 3-door के साथ बेच रही है और उसकी लेंथ आपको अंडर 4 meter ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन करंट थार का एक्सटेंडेड वर्जन यानी बड़ी थार बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है और इसके अंदर आपको करंट थार के मुकाबले काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसके डायमेंशन आपको थोड़े से बड़े देखने को मिल जाएंगे, यानी 4 meter के ऊपर इसकी लेंथ होने वाली है। करंट थार की लेंथ आपको अंडर 4 meter ही देखने को मिल जाएगी और लेंथ का मामला आपको GST के अंदर और टैक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। जितनी ज्यादा लेंथ होती है वहां पर आपको उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इसी वजह से महिंद्रा कंपनी ने करंट थार की लेंथ अंडर 4 meter रखी है, उसी वजह से उसकी कीमत भी आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगी। लेकिन थार के 5-door वाले मॉडल की लेंथ आपको 4 meter के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो डेफिनेटली वहां पर कॉस्ट बढ़ने वाली है। इसके अलावा हाइट, वेट और ग्राउंड क्लियरेंस के तौर पर भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट का फीचर थोड़ा सा अलग रखा जा सकता है, आपको काफी नए पैटर्न्स और डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये 3-door वाले मॉडल के मुकाबले थोड़ी सी अलग दिखनी चाहिए। इसी वजह से आपको 5-door वाले थार के अंदर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे एक्सटीरियर में। रिसेंटली इसके डैशबोर्ड का डिजाइन लीक हुआ था जिसके तहत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप ब्राउन कलर की फिनिशिंग और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट देख सकते हैं। और इस कार के अंदर आपको अब बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सर्कुलर शेप के साथ आपको एसी वेंट का डिजाइन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप ग्लोव बॉक्स वगैरह बाकी चीजें देख सकते हैं। तो ये इमेज रिसेंटली लीक हुई थी और शायद ये फैक्ट्री से ही लीक हुई थी क्योंकि बैकग्राउंड में वही चीजें लग रही है। खैर इसका इंटीरियर काफी ज्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल होने वाला है एज कम्पेयर टू करंट थार और यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस के तौर पर आपको शायद कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। यानी करंट थार के अंदर जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दिया जाता है सेम इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ थार का 5-door वाला मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। इसको 2024 के स्टार्टिंग में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। अगली कार है बोलेरो नियो प्लस, जो कि बोलेरो सेगमेंट के अंदर तीसरी कार होने वाली है
और ये कार भी फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है। इस कार का भी टेस्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा और इस कार को बहुत बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। देखो, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बताना चाहूंगा, आज के डेट में बोलेरो सेगमेंट के अंदर आपको दो कार्स देखने को मिल जाएंगी। पहली है बोलेरो का क्लासिक मॉडल जो कि काफी लंबे समय से इंडिया में बिक रहा है। उसके बाद महिंद्रा कंपनी ने TV300 को रिबैच कर उसके अंदर बदलाव कर बोलेरो नियो नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। तो यहाँ पर आज के डेट में इस सेगमेंट के अंदर आपको दो कार्स देखने को मिल जाएंगी और अब तीसरी कार की इस सेगमेंट के अंदर एंट्री होने वाली है जो कि करंट बोलेरो के मुकाबले आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको काफी नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और महिंद्रा कंपनी शायद इसके अंदर थार वाला ही इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफर कर सकती है, यानी यहाँ पर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट मिल जाएगी। आप गाड़ी चलाने के यहाँ पर डेफिनेटली मजे ले सकते हैं। ये कार काफी ज्यादा स्पेशियस होने वाली है। इस कार के अंदर आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा, शायद इस कार के अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। उसी के साथ आपको काफी कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिल जाएंगे, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग ये फीचर दिया जाएगा और भी ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको अपकमिंग बोलेरो नियो प्लस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो बोलेरो नियो प्लस भी 2023 के शुरुआत में या फिर मिड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और करंट बोलेरो के मुकाबले आपको इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। अगली कार है 2024 बोलेरो का क्लासिक मॉडल। अब देखो, इस कार का न्यू जनरेशन मॉडल नहीं आने वाला, सिर्फ इसका फेसलिफ्ट मॉडल आ सकता है या फिर महिंद्रा कंपनी इसको अपडेट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। करंट बोलेरो भी अच्छी खासी बिक रही है लेकिन करंट बोलेरो के अंदर आपको थोड़े से इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। शायद डैशबोर्ड का कलर थोड़ा सा अलग रखा जा सकता है, नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जा सकता है, उसके अंदर आपको एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ सीट का कंफर्ट इंप्रूव किया जा सकता है, इंटीरियर में आपको और भी नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली इसके एक्सटीरियर के ऊपर भी महिंद्रा कंपनी काफी ज्यादा काम कर सकती है। इंजन स्पेसिफिकेशंस के तौर पर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। आखिरी कार है XUV200 जो कि राइवल कर सकती है टाटा पंच के साथ, हुंडई एक्स्टर के साथ। अब इस सेगमेंट को महिंद्रा कंपनी टारगेट कर सकती है क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर टाटा पंच काफी ज्यादा बिक रही है। रिसेंटली हुंडई कंपनी ने एक्स्टर को लॉन्च किया था, इसको भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हुंडई एक्स्टर के हर महीने 8,000 से लेकर 9,000 यूनिट बिक जाते हैं। तो इसी सेगमेंट को टारगेट करते हुए महिंद्रा की तरफ से XUV200 को लॉन्च किया जा सकता है और इस कार के ऊपर आपको XUV300 देखने को मिल जाएगी। यानी XUV300 के नीचे और एक सेगमेंट आता है जो कि आपको टाटा पंच का सेगमेंट देखने को मिल जाएगा और इसी सेगमेंट को टारगेट करते हुए आपको बहुत जल्दी XUV200 नाम की कार इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, अच्छा खासा लुक हो सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक्सटीरियर लुक और इसका इंटीरियर करंट XUV300 के मुकाबले या फिर बाकी महिंद्रा की कारों के मुकाबले आपको कंप्लीटली अलग देखने को मिल सकता है। यानी इस कार को महिंद्रा कंपनी एज अ न्यू प्रोडक्ट के तौर पर इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसके तहत आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट देखने को मिल जाएगी। तो इन 5 कारों को महिंद्रा की तरफ से अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। देखो, यहाँ पर XUV300 का फेसलिफ्ट मॉडल हो गया, थार का 5-डोर वाला मॉडल हो गया, इसके अलावा बोलेरो नियो हो गई। इन कारों की फिलहाल के लिए टेस्टिंग चल रही है। इन तीनों ही कारों को 2024 के शुरुआत में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले थार का 5-डोर वाला मॉडल लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद XUV300 का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होगा, उसके बाद बोलेरो नियो, XUV200 और बोलेरो का क्लासिक मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। खैर, इनमें से आप किस कार का इंतजार कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।